गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माय नेम इज सारिका, वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। ओके, टुडे आई विल स्टार्ट विद एक्टिव ग्रामर इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। ओपन एक्टिव ग्रामर टेक्स्ट बुक। लास्ट वीडियो आई कंप्लीटेड पेज नंबर 168 to 169 इन होमवर्क आई हैव गिवन यू द चैप्टर। ओके, नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू टेक्स्ट नंबर 15। वर्ड्स ऑफ पोजिशन, प्लेस एंड टाइम आर कॉल्ड डेपोजिशन। पोजिशन मतलब कहाँ पे है वो चीज़, कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है और कैसा है और क्या टाइम पे है, उसको बोलते हैं डेपोजिशन। डेपोजिशन वर्ड्स लाइक इन, ऑन, विथ, अंडर, फ्रॉम, फार, टू एंड इन टू आर कॉल्ड डेपोजिशन। दूर, पास, नज़दीक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इसको बोलते हैं डेपोजिशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस। अब पिक्चर्स देखिए, हम सेंटेंस पढ़ते हैं। अभी ये देखो, पिक्चर क्या है? टेबल और बुक है। तो यह कैसे लिखा है देखो, द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ पे है? टेबल के ऊपर। बुक्स कहाँ पे है? टेबल के ऊपर। तो कैसे लिखना है, पढ़ना है आपको, द बुक्स आर ऑन द टेबल मतलब ऊपर। तो यहाँ क्या है मेन? ऑन, ये है प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फ्रूट्स सब कहाँ पे? बास्केट के अंदर है। कहाँ पे फ्रूट्स? बास्केट के अंदर। तो इन आएगा, क्या आएगा ये? इन द बास्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट, द लैम्प इज नियर द बेड। अब लैम्प कहाँ पे? बेड के बाजू में। कहाँ पे लैम्प? बेड के पास में है, तो नियर हो गया। पास में है तो क्या बोलने का आपको? नियर बोलेगा। द लैम्प इज नियर द बेड। द पॉट इज अंडर द टैप। अभी पॉट कहाँ पे? टैप के नीचे। अब नीचे वो क्या बोलेंगे? अंडर बोलेंगे। ओके, और ऊपर रहेगा तो ऑन। तो टैप के नीचे क्या है? वो पॉट। तो द पॉट इज अंडर बोलेंगे, अंडर द टैप। नीचे वो क्या बोलेंगे हम? अंडर, अंडर द टैप, नल के नीचे है। द बॉय इज एट द बस स्टॉप। अब बॉय कहाँ खड़ा है? बस स्टॉप पे खड़ा है। तो कहाँ क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। कहाँ पे खड़ा है, कौन सी जगह खड़ा है? एट, द बॉय इज एट द बस स्टॉप। तो एट ये प्रपोजिशन। द कैट जंप इन टू द वेल। अब कैट क्या कर रही है? कुएं में जंप कर रही है, कूद करवा दी है। तो इन टू आ जाएगा, मतलब कुएं के अंदर। तो इन टू द वेल, द कैट की जंप इन टू द वेल। कैट क्या कर रही है? कुएं के अंदर जंप कर रही है। तो इन टू हो गया हमारा प्रपोजिशन। नेक्स्ट, द बॉल फ्लू ओवर द नेट। अब बॉल क्या हो गया? नेट के ऊपर से छलांग लगे बॉल, बॉल की, बराबर। तो क्या हो जाएगा? फ्लू, ऊपर से उड़कर नीचे नेट पे आया। बॉल फ्लू ओवर द नेट, ये नेट के ऊपर से बॉल नीचे गिरा। तो ये हो गया ओवर। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। अब बॉय कहाँ खड़ा है? झाड़ के पीछे। तो क्या हो जाएगा? बिहाइंड को क्या बोलेंगे? पीछे को क्या बोलेंगे हम? बिहाइंड, और आगे को फ्रंट, इन फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिहाइंड। बिहाइंड क्या हो गया हमारा? प्रपोजिशन। टीना इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। अब टीना कहाँ बैठी है? सीता और गीता के बीच में। तो क्या हो जाएगा? बीच वाले को क्या बोलेगा? बिटवीन। क्या बोलते हैं बीच वाले को? बिटवीन। ठीक है, टीना इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। सीता और गीता के बीच में कौन बैठा है? टीना। तो क्या हो गया? बिटवीन। ठीक है ना, तो हम आप डेफिनेशन बोलेंगे। वर्ड्स लाइक इन, ऑन, विथ, अंडर, फ्रॉम, फॉर, टू एंड इन टू आर कॉल्ड प्रपोजिशन। ये सब वर्ड्स क्या हो गए? ये सब वर्ड्स हो गए प्रपोजिशन। ठीक है, जो यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया, देखो ये सब वर्ड है ना, ये सब क्या है? प्रपोजिशन। अब आएंगे हम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71। ए, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। अब करेक्ट वर्ड को हमको अंडरलाइन करना है। द बर्ड, नंबर वन, द बर्ड सैट। कहाँ बैठी है बर्ड? ऑन द ब्रांच बैठी क्या? एट द ब्रांच बैठी। एट बोले तो बाजू में, तो ऑन द ब्रांच, तो ऊपर बैठी है ब्रांच की, तो ऑन आ जाएगा आंसर में। ये है ऑन।
प्रपोजिशन टू द मून इज एट द स्काई, थोड़ी होता मून स्काई के पास थोड़ी है, स्काई के अंदर इन द स्काई, मून कहाँ दिखा देता आपको आसमान के अंदर। नंबर थ्री हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी कहाँ बैठा है बॉल के ऊपर, तो सेट ऑन ए वॉल। नंबर फोर द बोट इज अंडर द ब्रिज, बोट कहाँ पे ब्रिज के नीचे, तो अंडर आ जाएगा, बोट कहाँ पे ब्रिज के नीचे तो क्या आएगा अंडर। नंबर फाइव देर इज ए क्लॉक ऑन द वॉल, अब घड़ी कहाँ पे होती है दीवार पे टंगी होती है ना, और दीवार क्या बोलेगा ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर क्या है घड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बी से वेयर द एरोप्लेन इज इन द पिक्चर, अब एरोप्लेन कहाँ पे हमको बताना है, पिक्चर में देख के आंसर देना है हमको यहाँ पे। नंबर वन द एरोप्लेन इज कहाँ पे, एरोप्लेन एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट पे है एरोप्लेन, तो एट द एयरपोर्ट, एरोप्लेन कहाँ रहता है एयरपोर्ट पे होता है ना एरोप्लेन। नंबर टू द एरोप्लेन इज ऑन रनवे, मतलब अभी जा उड़ान के लिए तैयार हो रही है, एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार हो रही, देखो धीमे धीमे स्पीड बढ़ रहा है एरोप्लेन का है ना, रनवे। नंबर थ्री द एरोप्लेन इज इन द स्काई, एरोप्लेन कहाँ पे अभी आसमान के अंदर, इन द स्काई। नंबर फोर द एरोप्लेन इन अबाव द क्लाउड, मतलब कहाँ पे बादलों के ऊपर, अबाव बोले तो बादलों के ऊपर एरोप्लेन जा रहा है। नंबर फाइव द एरोप्लेन इज ओवर द हिल, ओवर द हिल बोले तो पहाड़ के ऊपर, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है ओवर द हिल। तो ये आपको ऑप्शन दिया था ओवर अबाव ऑन एट और इन, कौन सी जगह पे लगता है वो आपको बोलना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द गिवन वर्ड्स, ये भी गिवन वर्ड्स करना है और आंसर करना है आपको। वेयर आर द शूज, अब शूज कहाँ पे, टेबल के नीचे है अंडर है कि ऊपर है, द शूज आर अंडर द टेबल, शूज टेबल के नीचे है तो अंडर आएगा इधर, अंडर द टेबल। वेयर इज द पिक्चर, पिक्चर कहाँ पे द वॉल, सॉरी द पिक्चर इज ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ पे दीवार पे टंगी हुई है ना, तो ऑन द वॉल दीवार के ऊपर है। वेयर इज द फोन, अब फोन कहाँ पे है द फोन इज ऑन द टेबल, कहाँ पे फोन दिखाई दे रहा है आपको टेबल के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट वेयर इज द वुमेन, अभी औरत कहाँ बैठी है, कुर्सी के ऊपर बैठी के अंदर बैठी के पास में बैठी, द वुमेन इज इन द चेयर, कुर्सी के अंदर है ना। वेयर इज द बॉय, द बॉय इज एट द बस स्टॉप, कहाँ दिख रहा है बॉय, कहाँ खड़ा है बस स्टैंड पे खड़ा है, तो द बॉय इज एट द बस स्टॉप, ऐसा ही आंसर होगा। वेयर आर द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन कहाँ पे, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, गार्डन के अंदर है, पार्क के अंदर है चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन आर इन द पार्क। अब नेक्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो, थर्स्टी ऑन ए हॉट समर डे अ क्रो वॉज थर्स्टी, इट लुक्स फॉर सम वॉटर एवरीवेयर, एट लास्ट इट फाउंड ए पॉट नियर द ट्री, बट देर वॉज वेरी लिटिल वॉटर इन द पॉट, इट गॉट एन आइडिया, इट पिक्ड अप सम स्मॉल पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट वन बाय वन, स्लोली द वॉटर रोज टू द पॉट, द क्रो ड्रैंक द वॉटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। अभी ये थर्स्टी क्रो के आपको तो स्टोरी मालूम ही है, प्यासा कौवा तो जंगल में उड़ता उड़ता यहाँ वहाँ जंगलों में ढूंढता रहता, प्यास लगती बहुत उसको, तो क्या दिख क्या ढूंढता है वो, एक मटका जिसमें पानी हो और उसको प्यास बुझ सके पानी पीकर, तो यहाँ वहाँ जंगल में ढूंढता रहता है, तो उसको एक क्या दिखता है छोटा सा पॉट दिखता है जो थोड़ा टूटा हुआ भी होता है और उसमें पानी बहुत ही कम होता है, तो वो क्या करता है एक आइडिया करता है, उसमें बहुत सारे आजू बाजू में पत्थर पड़ा होता है, तो उस आइडिया से क्या करता है वो पत्थर लेकर चोट से वो पॉट में डालता रहता है, तो जिससे थोड़ा पानी ऊपर आ जाता है और चोट से वो पानी पीकर खुशी खुशी उड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया स्टोरी, तो अब ये अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, द क्रो वॉज लुकिंग फॉर वाटर, काहे के लिए क्रो देख रहा था यहाँ वहाँ जंगल में पानी पीने के लिए, फॉर वाटर एवरीवेयर। टू इट फाउंड ए पॉट नियर अ ट्री, कहाँ पे पॉट मिला उसको,
झाड़ के पास में एक घड़ा था। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, बहुत ही कम पानी था घड़े में। द क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इन टू द पॉट, अब क्रो ने क्या किया, एक एक करके पत्थर मटके में डाला, उससे वो पानी ऊपर आया और खुशी से वो पानी पीकर उड़ गया, है ना। तो आपको कंप्लीट करना है पेज 68, 72 इन होमवर्क, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय, थैंक यू।